असल हनीब दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। 72 घंटों बाद यानी कि 18 मई बुध वाले रोज़ बिल आखिर हाई पावर बोर्ड 19 माह की ताखीर के बाद होने जा रहा है। इस बोर्ड के नतीजे में जो है ग्रेड 21 के 31 अफसरों को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी जाएगी, जिसमें खुद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले 18 अफसरान, पाकिस्तान पुलिस सर्विस के 7 अफसरान और खुद पाकिस्तान सेक्रेटरीट ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफसरों को जो है ग्रेड 21 से 22 में तरक्की दे दी जाएगी। आखिरी बोर्ड जो है साबिका हुकूमत में अक्टूबर 2020 को मुनक्किद हुआ था और उसके बाद ये बोर्ड जो है बाज़ नागुज़ीर वजूहात के बिना पर जो है बार बार जो है इसे मुअख्खर ही किया जाता रहा, क्योंकि इस बोर्ड के नतीजे में कुछ ऐसे ग्रेड 21 के अफसरों की तरक्की जा रही है जिसका ताल्लुक जो है खुद शरीफ बरादरान के ग्रुप से बताया जाता है, जिसमें डॉक्टर तौकीर हुसैन शाह और इमदाद बोसाल के नाम ख़ास तौर से शामिल है। महज उन्हें तरक्की से रोकने के लिए जो है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी थे आज़म खान जो है वो इस बोर्ड को किसी न किसी वजह से जो है वो मुलतवी करते रहे कि इस बोर्ड के नतीजे में उनके मुखालिफीन जो है वो ग्रेड 21 से 22 में प्रमोट ना होने पाए और इस तरीके से उनके प्रमोशन होने के सूरत में उन्हें अहम तरीन वजारतों के मिलने का इम्कान था। महज उन वजारतों से उन्हें रोकने की वजह से जो है वो उनकी तरक्की के राह में ये रोड़े उस वक्त अटकाई जाती, लेकिन अब मालूम ये हुआ है कि बिल आखिर ये बोर्ड जो है वो अब 18 मई को यानी बुध वाले रोज़ होने जा रहा है। नाज़रीन, इस बोर्ड के नतीजे में जो है जो 7 ग्रेड 21 के अफसरों को ग्रेड 22 में तरक्की दी जा रही है पुलिस अफसरान ने, उसमें खुद मोहसिन भट्ट बलूचिस्तान के IGB शामिल है और इस बोर्ड के नतीजे में सिंध पुलिस को जो है वो बिल आखिर मुश्ताक महर रजीम से जो है वो छुटकारा भी मिल जाएगा। मुश्ताक महर रजीम जो है पिछले कोई 2.25 साल से जो है बिला शिरकत गैर सिंध पुलिस पर जो है वो हुक्मरानी कर रहा है और वो सियाह सफ़ेद का मालिक बन चुका है, लेकिन अब मैं पिछले प्रोग्राम में ये तस्करा कर चुका हूँ कि मुश्ताक महर के पास जो है वो ऑप्शन इंतहाई महदूद रह चुके हैं और अब उनके पास सिवाय मुल्क से बाहर जाने के और कोई चारा नहीं रहा। वो और उनके जो PSO हैं, मेरा इशारा जो है वो अदनान रफीक सिद्दीकी की जाने पे, उन दोनों को जो है बिल आखिर इस 18 मई के बोर्ड के बाद जो है उन्हें मुल्क को छोड़ना ही पड़ेगा। ये ख़ुद कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अब जब ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे उस वक्त तक मुमकिन है कि खुद मुश्ताक महर की तब्दीली का परवाना जारी हो चुका हो और ख़ुद सिंध पुलिस के IG का जो है वो कायम मुकाम चार्ज जो है वो एडिशनल IG डॉक्टर कामरान फ़ज़ल को सौंपा भी जा चुका है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता है। सिंध पुलिस ने जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो हमेशा जो है सोचा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, लिहाजा इस बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकते कि आया 18 मई को जो ये सिलेक्शन बोर्ड होने जा रहा है हाई पावर का, जिसमें खुद बलूचिस्तान के IG मोहसिन भट्ट की जो है ग्रेड 21 से 22 में प्रमोशन यकीनी है और ख़ुद उन्हें जो है उनको सिंध पुलिस का IG बनाए जाने का फ़ैसला भी तकरीबन हो चुका है, अब सिर्फ उस पर अमल दरामद बाकी है और ये भी उनकी एक शर्त थी कि जब तक उन्हें ग्रेड 22 में प्रमोट नहीं किया जाता है वो सिंध पुलिस के IG केसेस से अपने ओहदे का चार्ज नहीं लेंगे। इसी वजह से जो है वो उनके सिंध पुलिस के IG का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका और अब मालूम ये हुआ है कि 18 मई को जो है बिल आखिर जो है वो हाई पावर बोर्ड होने जा रहा है, जिसके बाद जो है ग्रेड 21 के 7 पुलिस अफसरों को जो है ग्रेड 22 में तरक्की दे दी जाएगी, जिसमें खुद जो है वो मोटरवे के साबिका जो IG हैं इनाम गनी और खुद इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो IG है मुअज़्ज़म जा अंसारी के नाम भी शामिल हैं, इन्हें भी जो है ग्रेड 21 से 22 में तरक्की दे दी जाएगी। इस तरीके से जो है वो खुद सिंध पुलिस के जो मौजूदा सरबराह है मुश्ताक महर के रजीम से खुद सिंध पुलिस को जो है बिल
आखिर छुटकारा मिलने जा रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि वो जादू टोनों का जो है वो इस वक्त दौर दौरा है, और जादू टोनों के ज़रिए ही तकरीबन 2.25 साल से जो है सिंध पुलिस के सरबराह मुश्ताक महर जो है वो अपनी पोस्टिंग को न सिर्फ बचाते रहे हैं बल्कि उसे तूल भी देते चले आ रहे हैं। इसलिए अभी भी हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि आया उनका ट्रांसफ़र कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, या फिर 18 मई को जो ये जो हाई पावर बोर्ड हो रहा है उसके बाद भी जो है यकीनी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि उनका ट्रांसफ़र होगा या नहीं, या उनकी जगह जो है मोहसिन भट्ट सिंध पुलिस के नए IG बनने में कामयाब हो भी जाएंगे कि नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन, इसी तरीके से मैं पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इम्कान यह है कि खुद जो है वो डॉक्टर अमीर शेख को जो है बलूचिस्तान का IG बना दिया जाएगा, लेकिन बिलआखिर आखिरी वक्तों में जो है वो उनका नाम वहाँ से काट कर उन्हें आज़ाद कश्मीर का IG बना दिया और उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और अब अगर मोहसिन भट्ट जो है सिंध पुलिस के IG बनने में कामयाब हो जाते तो फिर वहाँ पर कांटेदार मुकाबला जो है वो ग़ुलाम नबी मेमन और ख़ुद अब्दुल खालिक शेख के दरमियान होगा। लेकिन इतला ये मिली कि अब्दुल खालिक शेख मुमकिन है कि वो जो है IG बलूचिस्तान बनने में कामयाब हो जाए, और ख़ुद इन ग़ुलाम नबी मेमन जो है वो उनका कुर्रा फाल जो है वो ज़्यादा इम्कान है कि वो मोटरवे पुलिस के IG बनने में कामयाब हो जाएंगे। ये जो अलीशा इमाम काजमी हैं जिनका ताल्लुक जो है वो ख़ुद एंटी इनक्रोचमेंट फोर्स की पुलिस से है, पिछले कोई 3 सालों से यानी इतला ये मिली कि 2020 से जो है ये गैर हाजिर हैं, मुस्तकिल तौर पे दुबई में इनकी रिहाइश पजीर है, लेकिन उसके बावजूद आखिर इनके पास वो कौन सी गीदड़ सिंगी है कि ये बग़ैर किसी कुछ ड्यूटी किए जो है बाकायदगी के साथ जो है एंटी इनक्रोचमेंट फोर्स से जो है वो इन्हें तनख्वाह इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती रही है। हालांकि इस दौरान जो है 3 सालों में 3 जो है वो डायरेक्टर एंटी इनक्रोचमेंट फोर्स तब्दील हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी जो है वो इस जानिब जो है वो तवज्जो नहीं दी। मौजूदा जो डायरेक्टर एंटी इनक्रोचमेंट फोर्स हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम के इल्म में जब ये बात लाई गई तो उन्होंने इसका नोटिस लिया और उनकी तनख्वाह रुकवा दी और उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करते हुए जो है वो उन्हें शोकाज़ नोटिस दे दिया कि आखिर किसके हुक्म से जो है अलीशा इमाम काजमी जो है पिछले 3 सालों से ड्यूटी दिए बग़ैर यानी कि बैरून मुल्क दुबई में वो काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर न सिर्फ उसकी हाज़िरी चल रही है बल्कि वो बाकायदगी के साथ तनख्वाह भी वसूल कर रही है, यानी कि अंधेर नगरी चौपट राज, यानी कि इससे ज़्यादा बदतरीन मिसाल पुलिस की और क्या दी जा सकती है कि एक ऐसी खातून पुलिस अफसर जो कि दुबई में रिहाइश पजीर है वहाँ कोई और जॉब कर रही है लेकिन उनकी नौकरी जो है यहाँ एंटी इनक्रोचमेंट फोर्स में चल रही है और बाज़ाब्ता उनको यानी कि बिला किसी ताखीर बिला किसी उसके जो है उन्हें उनको तनख्वाह जो 63,000 रुपये है उनको हर माह उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती चली आ रही। और अब जाके जो है मौजूदा डायरेक्टर जो है एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ग़ुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम ने हिम्मत और जुरत का मुजाहरा करते हुए उनकी न सिर्फ तनख्वाह रुकवा दी, कहते हैं कि उनको शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया। हालांकि इससे कबल जो है एक एक माह की जो है वो छुट्टियों पर या कहने में गैराजरी पर जो है मौजूदा डायरेक्टर जो है कुछ 7-8 पुलिस कॉन्स्टेबलों को जो है वो डिसमिस फ्राम सर्विस कर चुके हैं, लेकिन इस खातून को जो है अब तक सिर्फ शोकाज से ही काम चलाया जा रहा है, उनसे वजूहात पूछी जा रही है। जब एक खातून है ही नहीं मुल्क में तो वजूहात वो क्या देगी, मतलब कोई उसकी कोई छुट्टी की अप्लीकेशन नहीं है, ना कोई बीमारी की कोई एंट्री है, तो फिर उन्हें तनख्वाह किस खुशी में जो है बाकायदगी के साथ दी जाती है। अब उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी भी शुरू किए जाने की इतला मिली, एक इतला ये भी मिली है कि एंटी इनक्रोचमेंट फोर्स के ज़रिए जो है वो जो है क्या नाम है अपोजिशन लीडर जो है PTI के सिंध असम्बली में अलीम आदिल शेख के घर पर छापा पड़वाया गया और उनके वहाँ से बरादर नस्बती के गिरफ्तारी की इतला मिली है। ये भी मालूम हुआ है कि उनके घर पर जो है एंटी इनक्रोचमेंट फोर्स ने छापा मारा, मोबाइलों पर जो है कहते हैं कि खुद इसी एंटी इनक्रोचमेंट फोर्स के पुलिस वालों ने फायरिंग की अपने मोबाइल पर खुद और पथराव भी खुद किया और मुकदमा जो है उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का भी दर्ज कर दिया और हमला का भी दर्ज कर दिया। हालांकि उस वक्त जो है अलीम आदिल शेख अपने बंगले पर मौजूद नहीं थे, ये खुद एंटी इनक्रोचमेंट फोर्स के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ये इतला जो है वो इस चैनल के साथ शेयर की। चलते हैं अब
अगला जो हमारा हिस्सा है वो ये है कि सिंध के जो वज़ीर आला है सैयद मुराद अली शाह, वैसे तो बड़े दबंग सूबाई वज़ीर आला हैं कि इनके एक चुटकी बजाने पर जो है वफाक से जो है ये अपने इंतहाई करीबी दोस्त जो है सुहेल राजपूत को जो है वो सिंध का चीफ सेक्रेटरी बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन अब इनके लिए ख़ुद इनका जो आबाई इलाका है जहाँ से ये इंतखाबात हमेशा से जीतते चले आ रहे हैं, ये जामशोरों को जो डीसी हैं, मेरा इशारा रिटायर्ड कैप्टन फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की जाने में, वो इनके लिए इस वक्त सुहाने रूह बन चुके हैं। यानी कि सिंध के जो वज़ीर आला हैं वो उनकी रिट को इस वक्त बराह रास्त जो चैलेंज बन रहे हैं वो ख़ुद उनके अपने हल्का इंतखाब के डीसी बताए जाते हैं। यानी कि एक वज़ीर आला जो है चीफ सेक्रेटरी तो अपनी मर्ज़ी का ले आए, लेकिन उस चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए वो अपने हल्का इंतखाब के डीसी जो है रिटायर्ड कैप्टन फरीद को तब्दील नहीं करवा सकते, इसलिए कि कैप्टन फरीद पर जो है हाथ जो है वो ख़ुद बहरिया टाउन के रू रवान रियाज मलिक का है, और रियाज मलिक की ईमा पर या उनकी सिफारिश पर उनकी पोस्टिंग ख़ास तौर से जो है वो जामशोरों में करवाई गई है। इस वक्त जामशोरों की वो डीसी है और ख़ुद सिंध के वज़ीर आला को मुख्तलिफ महफिलों में ये शिकायत करते हुए सुना गया है कि वो तो इतने कमज़ोर तरीन सूबाई वज़ीर आला हैं कि वो अपने हल्का इंतखाब के एक ग्रेड 18 के मामूली डीसी को तब्दील करने का भी इख्तियार नहीं रखते। ये ख़ुद उनसे ही उनके करीबी रफ़का ने सुना, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि वो चाहते हैं कि डीसी जो जामशोरों हैं यानी डिप्टी कमिश्नर जामशोरों रिटायर्ड कैप्टन फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा को तब्दील कर दें, लेकिन वो उनको तब्दील करने पर कादिर नहीं है, उनके पास ये इख्तियार नहीं कि उन्हें तब्दील किया जा सके, क्योंकि उनके सिफारशी कोई और नहीं, खुद आसिफ अली जरदारी के पार्टनर, उनके करीबी साथी बहरिया टाउन के मालिक रियाज मलिक हैं, और ख़ुद रिटायर्ड कैप्टन फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा का ताल्लुक जो है खुद मलक रहमान मरहूम के इलाके से हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनकी यानी काफ़ी सिफारशी हैं, लिहाजा इस वजह से सिंध के वज़ीर आला जो है वो उनको तब्दील नहीं करवा सकते, जिन्होंने चुटकी बजा कर जो है वो सुहेल राजपूत को जो है सिंध का चीफ सेक्रेटरी बना दिया। देखना यह है कि ग़ुलाम नबी मेमन जो है वो मोटरवे के आईजी बनने में कामयाब होते हैं या नहीं, उनके पीछे जो है वो ख़ुद डीजी जो आईबी हैं, मेरा इशारा जो है ख़ुद फवाद असदुल्ला की जानिब है। फवाद असदुल्ला जो है वो इनके भी सिफारिश ही है, फवाद असदुल्ला जो है ख़ुद अब्दुल खालिक शेख जो हैं जो कि इस वक्त लाहौर के जॉइंट डायरेक्टर आईबी हैं, उनके भी सिफारिश ही हैं, तो उनकी भी पोस्टिंग वही करवाने की इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं बलूचिस्तान के लिए, और ख़ुद ग़ुलाम नबी मेमन की भी जो है पोस्टिंग जो है वो खुद DGIB ही करवा रहे हैं। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इस हाई पावर बोर्ड जो कि मैं पहले प्रोग्राम के इत्तला में कह चुका था कि ये हाई पावर बोर्ड जो है वो 18 मई यानी कि बुध वाले रोज़ होने जा रहा है। इस बोर्ड के नतीजे में जो है मुश्ताक महर रिजीम से जो है सिंध पुलिस को बिल आखिर रोते रोते जो है छुटकारा मिलने जा रहा है, और काबिल एहतराम मुश्ताक महर साहब अब आपके पास ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं रहे, आप जादू टोने करें असर रसूख इस्तेमाल करें, पोस्टिंग आपको अब मज़ीद नहीं मिलने जा रही है, आपको बिल आखिर जो आपने वीज़े लिए रखे हैं यूके के उसको इस्तेमाल किए बग़ैर आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, बैरून मुल्क कब जाते हैं ये फ़ैसला आपने करना है। नाज़रीन हम अक्सर ये कहते हैं कि मुल्क में जो है न सियासी और ये जो क़ुव्वत हैं एक पेज पर नहीं, यहाँ आप सिंध पुलिस में देखो तो सिंध पुलिस में भी जो है अफसरान भी एक पेज पर नहीं है, IG सिंध की पॉलिसी कुछ और है, एडिशनल IG कराची ग़ुलाम नबी मेमन की पॉलिसी कुछ और है, पुलिस सरबरा की पॉलिसी है लुटो तो पुटो, लेकिन ख़ुद हमारे जो एडिशनल IG कराची ग़ुलाम नबी मेमन जो नाक के सीट पर इस वक्त चल रहे हैं वो प्रोफेशनलिज़म को उन्होंने इस वक्त ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है, तो वो जो है वो इस वक्त एक दयानतदारी के साथ उसूल परस्ती के साथ जो है कराची पुलिस को चला रहा है, और सिंध पुलिस में कराची पुलिस एक इतना बड़ा यूनिट है कि उसके बगैर सिंध पुलिस जो है वो अधूरी नहीं बल्कि बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि सिंध पुलिस से अगर आप कराची पुलिस को काट दो तो बाकी सिंध पुलिस तो कुछ भी नहीं है, लिहाजा अगर सिंध पुलिस के सरबराह की डायरेक्शन
ईस्ट की तरफ है तो फिर अगर मैं ये कहूँ कि खुद कराची पुलिस के सरबरा की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है तो गलत नहीं होगा। तो ये एक टकराव किसी पोजीशन पैदा हो चुकी है। मैं पहले प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि किस तरीके से जो है वो उनके SHO लगते हैं और एडिशनल IG कराची उन पर करप्शन और इख्तियारात करने से समझ लगा कि उन्हें कल्टी कर देते हैं, ब्लैक कंपनी भिजवा देते हैं। यही सब कुछ सिलसिला इस वक्त चल रहा है। लेकिन अब उम्मीद यह है कि जो 18 मई को जो ये हाई पावर बोर्ड होने जा रहा है, इसके नतीजे में जो है सिंध पुलिस में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीली होने जा रही है। सबसे बड़ी तब्दीली जो है खुद सिंध पुलिस के सरबराह मुश्ताक महर की है। उसके साथ साथ उनका जो छोटा IG है, जो बार बार मैं अपने प्रोग्राम में कहता चला आ रहा हूँ, यानी अदनान रफीक सिद्दीकी की भी तब्दीली कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।